हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम 3.0 न्यू वर्जन में RCM की एंट्री को कैसे बुक किया जाता है, उसका GSTR 3B में इम्पैक्ट कैसे होता है, कैसे इसको प्रॉपर तरीके से हम GST पोर्टल पे भी शो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। RCM का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई सप्लायर जो रेगुलर सप्लायर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, और उनसे हम कोई परचेज करते हैं, तो उसका एंट्री जो बुक करेंगे हम, वो ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड है, तो वो GST का इनपुट तो हमें देंगे नहीं। तो उस GST इनपुट को क्लेम करने के लिए RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बना है। मतलब चार्जेस आपको बुक करने हैं, टैक्स आपको बुक करना है। तो कैसे बुक करेंगे, पूरी एंट्री कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, और अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। कंसेप्ट को समझना है तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंट्री इन टैली 3.0। तो सबसे पहले हम वाउचर में आ जाते हैं। बेसिकली टैली प्राइम 3 में ये जो RCM की एंट्री है, इसको कैसे बुक करेंगे, ये थोड़ा हिडन है। प्रॉपर जब तक ये सब लोगों को मालूम पड़े तब तक ये कहाँ पे फीचर है ये आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने का, जब आप RCM बुक करेंगे तो परचेस की एंट्री करेंगे। ठीक है, आपने जो भी परचेस किया होगा अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, उसके लिए आप परचेस बुक करेंगे। तो परचेस में एंट्री कोई सा भी, आप जो भी आपका इनवॉइस नंबर है उसको फॉलो करके दे दीजिए। डेट आ जाती है और मैं यहाँ पे सप्लायर का नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए अमर एंड कंपनी। अब इससे मैंने मटेरियल परचेज किया, दैट इज कॉल्ड मेथी हम बोल देते हैं। फूड स्टॉप से रिलेटेड फॉर्म है ये, उसका ही हम एग्जांपल लेते हैं। मेथी को हमने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी 50 kg कर दे, रेट आप उसको 85 कर दीजिए, अमाउंट विल बी 4250। अब यहाँ पे है मेन साहब कंसेप्ट, समझिएगा। ये तो सिंपल एंट्री आज तक आप करते आ रहे थे कि हमें इसे करना है, और यहाँ पे आप क्या करते, परचेज 5% परचेज एग्जम्प्टेड आप लेते थे, जो भी टैक्सेबल है। एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड लेते थे, अगर परचेज 5% है, 18% है, 12% है, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लेते थे। यहाँ आकर के हम परचेज की कॉन्फ़िगरेशन करते थे, लेकिन ये है URD अनरजिस्टर्ड, और हमारे पास नहीं है, तो हम एक सेपरेट परचेज URD के नाम से क्रिएट होगा। हम क्रिएट पे जाएंगे, नेम आप परचेज URD ही देंगे, क्योंकि इससे ये इजीली आइडेंटिफाई होगा, जाएगा ये परचेज अकाउंट में ही। टाइप ऑफ लेजर वो कीजिए आप नॉट एप्लीकेबल। देन हम यहाँ पे करेंगे स्टैट्यूटरी डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल। ये तब एप्लीकेबल होगी या तब आएगी जब आपका रेगुलर से किसी से आप परचेज कर रहे हैं। GST एप्लीकेबिलिटी यस, क्योंकि हम इसका इनपुट देंगे, तो यहाँ आपको एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करने के बाद HSN एज पर कंपनी ग्रुप, HSN इस आइटम का ऑलरेडी बना हुआ है, हम जो आइटम ले रहे हैं मेथी उसका HSN ऑलरेडी है, तो हमें इसको एज पर कंपनी कर देना है। और अगर कोई न्यू आइटम है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, पहले उसमें HSN नंबर डालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, GST रेट्स एंड रिलेटेड डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे एज पर कंपनी नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी में तो रेगुलर का किया होगा, अनरजिस्टर्ड का हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आइटम ऑलरेडी किया होगा, आइटम सेम, ग्रुप कैटेगरी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे GST को आप स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर करेंगे। आइटम टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, रेट ऑफ GST 5% है इस मटीरियल पे या किसी भी मटीरियल पे, जो भी रेट है ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं, हमें इसके हिसाब से लेना है। अब यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये ऑप्शन कई बार आपको यहाँ नहीं दिखाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये F12 देख रहे हैं, F12 में जाइए,
F12 में जाकर के यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आप, ये सेकंड रो में राइट साइड में, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, एक सेकंड ये स्किप हो गया है, थोड़ा F12 से करते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में नीचे आपको GST डिटेल यहाँ पे होंगे, यहाँ जाकर के इसको आपको यस करना है। देखिए इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, देख रहे हैं, इसको यस कीजिए और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए हमें टैक्स तो क्लेम तो करना है तो यस करना पड़ेगा, दोनों पे यस कीजिए, ये यस कीजिए, और ये एक तरह का गुड्स है तो हम यहाँ पे इसको गुड्स कर देंगे, सेव करेंगे, यस करेंगे, और ये आपकी एंट्री, इसको आप ये सेव कर दीजिए URD में। देखिए यहाँ URD में ही आना चाहिए, URD में आपने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसका टैक्स का इम्पैक्ट क्या है वो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, कंट्रोल ओ रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाकर के GST टैक्स एनालिसिस, ये आपको बता देगा कि इस पे आपने रिवर्स चार्ज को एक्टिव किया है, टैक्स ऑफ रेट ये 5% है, तो उसमें अकॉर्डिंग ऑफ देखो अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वहाँ, ये एंट्री हमारी सेव हो गई। अब हम देखेंगे GSTR 3B में इसका क्या इम्पैक्ट है, ये कैसे इशू होता है। ओके, 3B में हम आ जाते हैं, पीरियड आप ले लीजिए 1st जनवरी 2023 से 31st जनवरी 2023। क्वार्टरली मोड पे भी फाइल होता है, मंथली मोड पे भी होता है, क्वार्टरली मोड पे है तो हम एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अब इसमें देखिए आपकी ये टैक्स ऑन आउटवर्ड है, ये तो हो गया GSTR 1, जो कि आपकी सेल के अगेंस्ट में आपको टैक्स इतना पे करना है, और यहाँ पे आ गया एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपका यहाँ पे टैक्स इनपुट आपको कितना मिल रहा है, और ये आ गया एग्जेम्प्ट अगर आपकी कोई परचेज है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स कहाँ है, F1 से आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये कितना आपका आउटवर्ड सप्लाई है एग्जम्प्टेड वो शो कर देगा, इनवर्ड सप्लाई आपकी एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज यहाँ आपको शो कर देगा। अब ये आपकी पहले लायबिलिटी क्रिएट करेगा और देन आपको यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका ये इनपुट अदर परचेजर्स जो है, रेगुलर से हमें इतना इनपुट मिल रहा है और URD वाले से हमें इतना मिल रहा है। अब ये दो जगह क्यों दिखा रहा है, जिनको ये नहीं पता है, जो फ्रेशर्स है उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, आपने जब परचेज किया URD से तो आपने उनको टैक्स तो पे किया नहीं ना, आपने उनको 4-5 जो अमाउंट है वो पे कर दिया, लेकिन आप उसका इनपुट ले रहे हैं, तो जब आपने पेमेंट ही नहीं किया तो आप इनपुट कैसे लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप पहले इसको यहाँ पे टैक्स कैश में डिपॉजिट करेंगे अपने GST पोर्टल पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक कॉलम आएगा, उसमें आपको ये सेल डिक्लेयर करनी पड़ेगी, पहले उतना CGST लगाना पड़ेगा, फिर ITC क्लेम वाले कॉलम में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेम वही अमाउंट क्लेम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपने कैश में डिपॉजिट करवाया और ये आपके क्रेडिट बैलेंस में वापस आ जाएगा, कि कैश से पैसे जेब से तो गए लेकिन वो उसका इनपुट आपको मिल गया और वापस आपके क्रेडिट लेजर में आ गया, कि आगे आपको कहीं पर टैक्स पे करना पड़ेगा तो ये ITC वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिवर्स चार्ज की एंट्री को आप टैली प्राइम 3.0 में बुक कर सकते हैं, और उसका इनपुट कैसे इम्पैक्ट होगा पोर्टल पे और पोर्टल पे और टैली प्राइम में, ये आप 3B में प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। अब इस एंट्री को GST पोर्टल पे भी हम करेंगे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम GST पोर्टल पे RCM की एंट्री को कैसे सेट ऑफ करेंगे, कैसे उसे बुक करेंगे और कैसे उसे ITC क्लेम करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट का सेक्शन में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप के कंटेंट लाता रहता हूँ, और मैं तो आपकी तरफ से मुझे एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन और एक लाइक कमेंट चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये फॉलो करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।